समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में रविवार शाम को मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने एक कार पर हमला कर दिया। कार में सवार दंपति मधुबनी से पटना जा रहे थे। उपद्रवियों ने तलवार, हॉकी स्टिक और लाठियों से कार पर हमला किया और शीशा तोड़ दिया। इस घटना में कार सवार दंपति और उनके बेटे को चोटें भी आई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हमले में शामिल 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है। घटना रविवार शाम की है, जब दलसिंहसराय के सरदारगंज चौक पर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवी अचानक उग्र हो गए और सड़क किनारे से गुजर रही एक कार पर हमला कर दिया। कार सवार अमितेश कुमार नामक व्यक्ति के अनुसार, हम मधुबनी से पटना जा रहे थे, तभी अचानक जुलूस से कुछ लोग निकले और हमारी कार पर हमला कर दिया। उन्होंने तलवार, हॉकी स्टिक और लाठियों से हमारी कार पर शीशा तोड़ दिया। इस हमले में अमितेश कुमार और उनके बेटे अंशुमन को चोटें आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और उपद्रवी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। SDPO विवेक कुमार शर्मा के अनुसार, हमें सूचना मिली थी कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने एक कार पर हमला कर दिया है। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही की आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुआ था जिसमें एक कार क्षतिग्रस्त, पूरा क्या मामला है? और देखिए, एक संध्या में कल 14 तारीख को एक आवेदन थाने में आता है, जिसमें अमितेश कुमार जो कि मधुबनी के रहने वाले, पटना में जाने के दौरान उनको उनके कार पे कुछ मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों के द्वारा मतलब हमला कर दिया गया तलवार से, जिसके कारण उनका कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इस आधार पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की है और माननीय सूचना संकलन चौकीदार के बयान पर हम उन लोगों को पहचान किया और पहचान करके 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इसमें नाबालिग भी हुए हैं? हाँ, इसमें 2 नाबालिग भी हैं।